चुनाव की सोच आपकी है। यह है हमारा खास कार्यक्रम अर्थ प्रकाश टीवी पर। हम आपके साथ सीधे रूबरू होते हैं, लाइव आपके साथ बातचीत करते हैं। चंडीगढ़ के नगर निगम के इलेक्शंस जैसा कि आपको मालूम है अब थोड़ा ही समय रह गया है और हम रोज़ाना किसी न किसी वार्ड में जा रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ की लोगों की वहाँ के इलाके की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ाना हमारे साथ उस इलाके के कुछ प्रबुद्ध नागरिक होते हैं जो उस इलाके की समस्याओं को समझते हैं, उनके बारे में सरोकार रखते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज हम मौजूद हैं इस वक्त मनी माजरा में। मनी माजरा का ये वार्ड नंबर 5 है। मनी माजरा में आपको हम बता दें कि बहुत बड़ा इलाका है, 3 वार्ड्स इस पूरे इलाके में आते हैं, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6। जो मुख्य शहर मनी माजरा का, जो सबसे ऐतिहासिक पुराना शहर मनी माजरा का है, वो वार्ड नंबर 5 का हिस्सा है। इस वक्त हमारे साथ मनी माजरा के कई जाने माने यहाँ के चेहरे मौजूद हैं, प्रबुद्ध नागरिक यहाँ के मौजूद हैं। गुरचरण दास काला जी को तो मुझे लगता है चंडीगढ़ लगभग सारा जानता है, 3 बार यहाँ से पार्षद रह चुके हैं। दाताराम सैनी जी हैं, सुरजीत ढिल्लों साहब हैं, भजनी साहब हैं और गाबा साहब हैं हमारे साथ, मणिपाल शर्मा जी हैं, फतेह सिंह जी हैं और भारत भूषण जी हमारे साथ हैं। तो ये सभी लोग जो हैं वो रहने वाले हैं मनी माजरा के, यहाँ के पुराने नागरिक हैं, यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के इलेक्शंस में किन मुद्दों के साथ ये लोग जाएंगे, किन मुद्दों के आधार पर ये अपने जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वोट देंगे, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम काला जी के पास चलते हैं। काला जी यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति कहे जा सकते हैं, यहाँ के पार्षद रह चुके हैं। काला साहब, इस बार का इलेक्शन कैसा रहने वाला है यहाँ के? इस बार का इलेक्शन जी यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा होगा महंगाई का, सबसे बड़ा मेन मुद्दा, क्योंकि बीजेपी वालों ने जब, हालांकि महंगाई का तो निगम के चुनावों से कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन भी फर्क पड़ेगा जी बहुत ज़्यादा। बाकी ये है भी 5 साल बीजेपी का यहाँ के काउंसलर सितार सिंह जग्गा जी रहे, लोगों ने उन पर पूरा विश्वास करके उनको जिताया यहाँ, तो उससे बाद 5 साल के अंदर उन्होंने एक भी काम मनी माजरे में नहीं कराया, जो मेरे हाथ के हो रखे थे काम 15 साल पहले, जो गलियाँ बनी थी एक पैच वर्ग भी नहीं करा सके वो। टोटल मनी माजरे में ना कोई NOC का काम हुआ, दफ्तर में कोई मुलाजम नहीं, वहाँ अफसर कोई नहीं बैठता था, टोटल बिल्कुल फेल हुआ वो काम सारा ही। हर मनी माजरे के इस टाइम आप जाकर मनी माजरे अंदर प्रॉपर जाकर आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों को, भाई इतना बुरा हाल हो रखा है मनी माजरे का, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मेन काम हमारा ये, एक हमने यहाँ एक ग्राउंड बनवाया था जी, 1.5 करोड़ रुपया लगाया था उस टाइम। मैं थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जहाँ हम खड़े हुए हैं ये दरअसल पार्क है, काला जी के ज़माने में ये पार्क बना, लेकिन ये ग्राउंड बनी जो मुशवालिक पार्क के बिल्कुल सामने है। और इस ग्राउंड में अब जो है, क्योंकि मनी माजरा में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट जो 24 आवर पानी सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है वो मनी माजरा से शुरू होना है, तो जो UGR है, जो अंडरग्राउंड रिजर्व आ रहा है, वो यहाँ पर बनना है, तो उसको लेकर विरोध है, तो उस पर हम काला साहब हाँ आप कहिए कि क्यों विरोध? ऐसे है जी, मतलब ऐसे इस ग्राउंड को बनाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करी और बहुत मुश्किल से ये ग्राउंड बनवाया, 3-3 फुट इसमें मिट्टी डलवाई, लाइटें लगवाई, सारा कुछ करा, 1.5 करोड़ रुपये उस टाइम कॉर्पोरेशन का लगा था यहाँ। मैंने मैडम से ये बेनती करी कि आप इस ग्राउंड को ना ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ की 4 लाख की आबादी है, 3 वार्ड के बच्चे रात को यहाँ 11-12 बजे तक खेलते हैं, नशे से बचाव हो जाएगा, अगर ये ग्राउंड ही खत्म हो गया बच्चे नशे की तरफ चलने चालू हो जाएंगे, अब तो रात को 11 बजे तक भी यहाँ खेलते हैं। दूसरी बात, इस ग्राउंड के ख़त्म करने के बजाय जगह हमारे पास कॉरपोरेशन के पास सुभाष नगर में बहुत पड़ी है, ठाणे के साथ बहुत पड़ी है, सामने दर्शनी बाग में बहुत पड़ी, सिर्फ सड़कें पार करनी है ना जी। मैं तो यही बेनती करूँगा एडवाइजर साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, महाराज इस ग्राउंड को ख़त्म ना करो, मनी माजरे का बहुत बुरा हाल है, मनी माजरे 4 लाख आबादी है, सारे एरिया के 3 वार्डों के यहाँ बच्चे रात को 12 बजे तक खेलते हैं। तो ठीक है, चलिए हम भजनी साहब के पास भी चलते हैं। भजनी साहब, इसी ग्राउंड की अगर हम बात करें जी, तो क्या है कि ये तो मनी माजरा के लिए बड़ी फख्र की बात है कि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो पायलट प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो भी तो ज़रूरी है, आपको नहीं लगता कि ज़रूरी है? पब्लिक के लिए सब कुछ ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, लेकिन जगह की तलाश इन्होंने गलत की है। जगह की तलाश अगर अच्छी जगह करते तो बहुत अच्छी जगह थी, काला जी ने बताया 3-4 जगह बताई आपको, ये बहुत अच्छी जगह है, ये ग्राउंड का ग्राउंड बच जाता और वहाँ जगह मिल जाती पानी के। आपका क्या कहना है ढिल्लों साहब इसके बारे में? यही है जो काला जी ने बताया, ठीक बताया जो काला जी ने बोला है,
ये 1.5 करोड़ रुपया लगा हुआ है, यहाँ वेस्ट जाएगा। इसके लिए तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, स्वास्थ्य नगर कर सकते हैं, जगह पड़ी है बहुत ज़्यादा, तसली बाग में पड़ी है, यहाँ मर्जी कर सकते हैं। तो ही दसो साहब, सनी साहब, फिरने के लिए ग्राउंड है ही नहीं मेरी नज़री में। हमारे पहले ढीलों के पास था, उनके ढीलों छीने के बाद वो भी खत्म हो चुका है, यही ग्राउंड बचा है हमारे पास, या कहीं और जगह है, कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए, अच्छी यही बेहतर है। तो मेन तो मुद्दा जो यहाँ पर नाराजगी है, तो ये आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा इसमें? चुनावी मुद्दा बनेगा। यहाँ पे कई सरकारी फंक्शन भी हो चुके हैं, चंडीगढ़ पुलिस भी यहाँ पे फंक्शन कर चुकी है, क्रिकेट मैच होते हैं 20 साल से लगातार मैच होते हैं, काफी देर से यहाँ ये 7-8 दिन लगातार फंक्शन चलता रहा है चंडीगढ़ पुलिस का यहाँ पे, जिससे क्या नाम बच्चों के नशे से भी बचने के लिए कहा गया था कि बच्चे खेलेंगे तभी बढ़ेंगे आगे। महिपाल जी से पूछ रहे थे, महिपाल जी पर अब तो बड़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, यहाँ पर उद्घाटन भी होने जा रहा है कल, गवर्नर साहब खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो इतने जहाँ प्लानिंग इतनी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, आपको लगता है कि वो दोबारा से रिवर्स हो सकती है? देखिए, आपने श्री गुरुचरण दास काला जी से पूछा था कि किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मैं आपको 25 साल पहले लेके जाना चाहूँगा चंद लम्हों के लिए। जी, 1996 के अंदर जब चंडीगढ़ नगर निगम बना तो लोगों में इस बात की उम्मीद थी कि जो पहले ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम नहीं हुआ करते थे वो शायद ज़्यादा सुचारू रूप से होने लग जाएंगे स्थानीय लोकल बॉडीज़ के तहत, लेकिन लोगों की उम्मीदें बुरी तरह से ख़त्म हुई हैं पिछले 25 साल के अंदर। जो सर उनके पब्लिक के नुमाइंदे जिनको पिछले साल में जब नुमाइंदगी की, काला जी ने काम किए हैं कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन हर इंसान की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 24 घंटे पानी की ज़रूरत ही नहीं है, आप 2 घंटे सुबह दो दोपहर दो शाम को पानी दे दीजिए, बट गुणवत्ता होनी चाहिए। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, पिछले 10-12 साल से इतने ज़्यादा केसेस एंटेरिक फीवर यानी टाइफाइड के आए हैं कि पूछिए मत, आप भरे पड़े हैं अस्पताल, और आप अच्छा स्वच्छ पानी तो लोगों को मुहैया करा नहीं सकते, 24 घंटे की बात कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ग्राउंड बना है जहाँ पे बच्चे आकर खेलते हैं सुबह से लेकर शाम कर शाम तक खेलते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट ही यहाँ पानी आना चाहिए, 24 घंटे पानी वाला प्रोजेक्ट होना ही नहीं चाहिए, इट्स टोटली इररिलेवेंट, नॉट रिक्वायर्ड। दादा साहब, आप इनसे सहमत हैं? एक मिनट, सहमत है जी, मतलब देखो, पानी अगर 2 घंटे सवेरे 2 घंटे दोपहर का 2 घंटे शाम का फुल के साथ दे दे तो मनी मारने 24 घंटे पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मनी मारने के लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि बच्चे आजकल जो टाइम चल रहा है वो नशे का चल रहा है, बच्चे गलत लाइन में पड़ जाएंगे। रात को आप कभी भी यहाँ आकर देखो, रात को 12 बजे तक बच्चे यहाँ खेलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब बनाना भी है तो सामने जगह है जी, सुभाष नगर के पास जगह है, फिर जगह पड़ी है, वहाँ चेंज कर लेंगे इसको। चलिए, 24 घंटे का तो खैर पूरे चंडीगढ़ में आना, मैं दोबारा से महिपाल जी के पास आता हूँ। अब चलिए, इस मामले में तो मुझे लगता है कि आम राय है कि यहाँ पर नहीं होना, नहीं होना। और क्या मुद्दे हैं? ऐसा है कि जैसे काला जी को पता है, नगर निगम के अंदर NOCs के लिए केसेस के अंबार लगे हुए हैं। अब किसी के मान लीजिए पिता की डेथ हो गई और ओनरशिप बाप के नाम पर है, स्वतः ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए बच्चों के नाम पर, तरह तरह की केस बना गए हैं, 18-20 चैनल बना दिए गए हैं, फॉरेस्ट का बना दिया, फायर का बना दिया, बिल्कुल गैर ज़रूरी चैनल बना दिए हैं जिसकी वजह से काम नहीं होता। उसको मतलब एक बना देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, आपकी 10 या 12 जो रिक्वायरमेंट्स है आप उनको पूरा कीजिए, तय सीमा के अंदर काम हो जाना चाहिए। ये तो ब्यूरोक्रेसी की समस्या हो गई। नहीं, ऐसा है कि नगर निगम के अंदर मेरे ख्याल से अकेला ब्यूरोक्रेसी नहीं, जो निचले मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं वो ज़्यादा उत्तरदायी हैं, काम होते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मनी माजरा की 1.5-2 लाख की आबादी है, यहाँ के काम के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है सेक्टर 17 के ऑफिस, क्या मतलब है, यहाँ के रिलेटेड काम मनी माजरा ऑफिस के अंदर ही होने चाहिए। नहीं, आपके यहाँ ऑफिस बना हुआ है तो उसमें नहीं होते जी, कोई अफसर नहीं बैठ रहा जी, 5 साल से बिल्कुल भी एक अफसर नहीं बैठ रहा। उससे पहले हमारे पास यहाँ एक सरदार जी कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने मनी माजरा की बहुत समस्या हल कर दी थी, जिनको 5-5 साल हो गए थे NOC अप्लाई करे, बिल्कुल मिली नहीं थी, उन्होंने घर बुलाकर दफ्तर में बुलाकर टेलीफोन का बुलाते थे भी अपनी NOC दे दो। उससे बाद तो यहाँ कोई अफसर ही नहीं बैठ रहा, दफ्तर ही खत्म कर रखा है जिन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल मनी मारे की जनता बहुत दुखी है, कॉर्पोरेशन दफ्तर ये बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। नंबर 3 जी, मनी माजरा के अंदर मकान 1 मरले से लेकर 4 मरले तक के मकान मैक्सिमम है, पुरानी आबादी के अंदर जहाँ 4 फुट की गली है, जहाँ मुश्किल से पैदल आदमी निकल सकता है, वहाँ के लिए आप बिल्डिंग प्लान की बंदिशें लगाएं। अब 2 मरले का मतलब 50 गज के अंदर आदमी आगे क्या छोड़ेगा, पीछे क्या छोड़ेगा, क्या क्या बिल्डिंग बनाएगा? वो कहते हैं ऐसे इतना आंगन होना चाहिए, इतनी टॉयलेट होना चाहिए, इतना रसोई होनी चाहिए, इट इज़ टोटली अनजस्टिफाइड। नक्शे की जो अपना जरूरियात है वो 100 गज से कम तो होनी ही नहीं चाहिए,
जिसका मकान 100 गज का है, इट शुड बी वेंटिलेटेड, हवादार हो, अच्छे तरीके से बना गया हो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। मेरे ख्याल से नक्शे की जरूरत 100 गज से तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कालाजी के टाइम में सड़क बनी थी, 10-15 साल हो गए सड़क नहीं बनी। मैं तो कहता हूँ, ये कहते हैं कि सड़क जो है उसका 5 साल के अंदर रिकारपेटिंग होता है, क्यों जी? पब्लिक हेल्थ, जिनका पानी का ताल्लुक है, अब पानी का जो पाइपें हैं यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 1974, 26 और 21, 45-46 साल हो गए हैं पाइपों को, वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। तंग गलियों के अंदर जहाँ पानी की पाइप जा रही है, उसके साथ ही 86-87 के अंदर सीवरेज आया, सीवरेज की लाइन भी अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। लिहाजा दोनों में लीकेज होती है, पानी गंदला अंदर आ जाता है, बीमारी का कारण बनता है, बजाय उसको ठीक करने के लीपापोती करने की कोशिश जारी है। कांग्रेस और बीजेपी, मैं किसी के व्यक्ति विशेष का नाम ले सकता, कालाजी ने बहुत काम किए हैं, कोई शक नहीं, लेकिन इसको एक मापदंड नहीं बनाया जाना चाहिए कि 5 साल बाद ही रिकारपेटिंग होगी। जब कोई खड्डा बन जाता है उसको इमीडिएटली उसके ऊपर पैचवर्क क्यों नहीं होता जी? 5 साल की क्यों इंतजार की जाती है? और नंबर दो, लोकल जो अपने निवासी हैं उनकी सलाह लेकर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाए जाते? जो लोकल जिन लोगों को दिक्कत है वहाँ पूछिए आपको क्या दिक्कत है जी, उनकी सलाह लेके तब प्रोजेक्ट बनाए जाए, उनकी सलाह से बनाए जाए। और उसके अलावा हमारे पीछे शिवालिक गार्डन है, सर सुरेंद्र सिंह जी मेयर रहे हैं, बहुत काम किए उन्होंने। और उसके बाद एक बिल्कुल इस कोने के अंदर, इसके मतलब पूरी भी कोने के अंदर अपना शिवालिक ग्राउंड के एक अपना ओपन एयर थिएटर का प्लान था। मैं इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कंपेयरिंग की थी, मंच का संचालन किया था, मुझे मालूम है, कालाजी भी इस बात की गवाह है, वो अभी तक ना बना, उसकी फाइल ही गायब कर दी गई। ओपन एयर थिएटर लोगों की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाने के लिए, बच्चों को एक्सपोजर मिलने के लिए बहुत बढ़िया जगह होती है जी, बिल्कुल चंडीगढ़ में वैसे भी होने वैसे चाहिए, होने चाहिए ना जी। अब कलाग्राम के अंदर कौन जा सकता है, अपना नेशनल हाईवे है, उसके कहाँ बच्चे क्रॉस करेंगे उसको? तो ये भी एक मुद्दा रहेगा। यहाँ पे जो ओपन एयर थिएटर बना, जो मतलब ओरिजिनल प्लान के अंदर था, वो नहीं आया बिल्कुल भी, वो होना चाहिए ताकि लोगों को अपनी अपने जो एबिलिटीज हैं वो एक्सपोज करने का एक मौका मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ ठीक है, आप बाकी और साथियों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो था, PDS को चंडीगढ़ में खत्म कर दिया गया था, राशन कार्ड भी खत्म कर दिया गया। जो इलेक्शन के आहट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा राशन प्रोवाइड किया गया, सुबह से लेकर शाम तक वो जो अपना पुराना माताराज अपना उसके ठाकुरद्वारा मंदिर के बगल में जो कम्युनिटी सेंटर है, जो कोरोना की वजह से जो कितना घटिया राशन वहाँ दिया गया है कि उसको पशु तक नहीं खाते भाई साहब। उसमें एक और भी बात है, जिसको राशन मिलना चाहिए था उनको तो राशन मिला ही नहीं, गरीब आदमी को नहीं मिला, बिल्कुल गरीब आदमी को राशन नहीं मिला, सिर्फ BAPL ने अपने अपने बंदों को जो तकड़े कराए थे जिनको इतनी आमदन है उनको राशन मिला, गरीब आदमी को राशन नहीं मिला। मैं सहमत उनके पास, हालांकि ये भी मुझे लगता है निगम के साथ इसका वास्ता नहीं होगा, नहीं वास्ता था निगम के साथ, वास्ता था इसका, निगम ने ही सारा खर्चा करा था, जो राशन का कारपोरेशन ही खर्चा करा था, सिर्फ इन्होंने अपने बंदों को ही बीजेपी वाले ने राशन दिया, गरीब आदमी को किसी को राशन नहीं, नंबर बनाने के लिए नंबर बनाने की बहुत बड़ी समस्या है जी। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, एक ये ओल्ड NAC का दफ्तर था यहाँ पे, वहाँ पे पार्किंग के लिए बनाई जगह दी गई थी, लेकिन इतने सालों से वो पार्किंग नहीं बनी है, ऐसे कैसे ही है सर। और कोई और हमारा साथी पार्किंग के ऊपर बोलना चाहता था, पार्किंग के मुद्दे पर ऐसा था, जो पुराना स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल उसके सामने एक अपना था, कहते हैं आप कब्रिस्तान, उसकी जगह जो थी वो पार्किंग के लिए आरक्षित थी, लेकिन हमारे पूर्व सांसद श्री पवन कुमार बंसल जी ने रातों रात वो जगह मुस्लिम समुदाय को दे दी, ना जाने क्यों, बट वाज द रीजन बिहाइंड इट। मैं बता रहा हूं, वो जगह जेनी सीमेंट देखी बाका बोर्ड की जगह थी, वो टोटल जड़े जगह थी, वो सिर्फ कब्रिस्तान की होती थी, वो कोई जगह नहीं, वो बाका बोर्ड वाला ने पैरा सिंह ने जो उस टाइम किराए पर दी थी उन्होंने खाली करा के, आबादी बहुत बढ़ गई मुसलमानों की मणि मारे में, कब्रिस्तान छोटा था इस करके वो कब्रिस्तान के पीछे मिला दिया गया। जगह अजय भी है जी बहुत पार्किंग वास्ते, मनसा देवी रोड के ऊपर पार्किंग वास्ते बहुत बड़ी जगह है, अपना अपना सुभाष नगर दर्शनी बाग के पीछे बहुत जगह पई है, उत्थे बन सकती है पार्किंग, पार्किंग मनी मारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हर एक जी मनसा देवी तो ऊपर सड़क कटी थी इंदिरा कॉलोनी वास्ते, अगर बड़ी गड्डिया बंद हो जाए ट्रक इतने बंद हो जाए अंदर आने तो उसके नाल भी काफी रिलीफ मिल सकता, पर उन्होंने अज तक बंद नहीं करे। ठीक है, हाँ हॉस्पिटल की मेन ना दवाई की दुकान है ना कुछ है, रात को इमरजेंसी तो खोली हुई है लेकिन वहाँ दवाई की दुकान है नहीं, दवाई लेनी है तो 6 चक्कर जाओ या चंडीगढ़ छोड़ सकते, यानी कि ये जितने भी आपने मुद्दे आज गिनाए सारे के सारे मुद्दे आपको लगता है अंदर का बुरा हाल है, जो इलेक्शन आएंगे उनमें जो मुद्दे बनेंगे।
देखो चंडीगढ़ का मणि माजरा जड़ा अहम शहर जी, इस दे विच जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी आ उसके बेचने से काफ़ी पैसा जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कह लो एम सी मिले हैगा, पर इस दे बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच इतनी एजुकेशन लेवल दे उत्ते कमी रही आ कि इत्थे कॉलेज तक का कई साल का प्रपोजल जड़ा वा वह बिच्चे ही पेंडिंग पड़ा, इस दे लई बच्चे जड़े आ वह चंडीगढ़ जाते आ, लड़कियां जाती आ, इसका कोई प्रबंध गवर्नमेंट ने कोई मनी माजरा में कॉलेज की भी यहाँ आपकी जरूरत है, पास हो रखा है जी, पास हो रखा है, ये पास हो रखा है, बिल्कुल ध्यान ही दे रहे हैं। अब मैं खुशी से आपको बताता हूँ, जब 96 में कॉर्पोरेशन बनी, पहले मनी मारे NAC थी, सारा कॉर्पोरेशन का खर्चा मनी मारे NAC की तरफ से ही चला, जो चला अब भी जो भी इस टाइम भी जो है मनी मारे के ऊपर है ज्यादा कॉर्पोरेशन चल रही है, क्योंकि यहाँ जो जगह बहुत है प्लाट उन्हें देखने पे के, पर मनी मारा जीरो कर रखा है, ठीक है, रेवेन्यू मनी माजरा से जनरेट किया गया जा रहा है, जो रेवेन्यू मनी माजरा से जनरेट किया गया उसका हकदार सबसे ज्यादा मनी माजरा था, पर सबसे ज्यादा जो मतलब पिछड़ा इलाका है इस हिसाब से वो मनी माजरा रहा, और लास्ट पॉइंट स्ट्रीट लाइट था, बाकी बिजली जो है सारी प्रशासन के पास है, स्ट्रीट लाइट जो है उसका किराया नगर निगम देता है, नगर निगम ने कभी इस बात की मतलब तकलीफ नहीं उठाई कि जाके देखें कि जिन लाइटों का किराया वो दे रहे हैं वो जल भी रही नहीं जल रही, मिली भगत है, इसलिए इस बार बदलाव है और आम आदमी पार्टी इस बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बहुत तो ये तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों के बीच में भारी रोष है, कई तरह के मुद्दे हैं मनी माजरा में, ना सिर्फ हालांकि हम सिर्फ ये इस ग्राउंड को लेकर आए थे और इस ग्राउंड के बारे में हमने बात करनी थी, जहाँ पर कि अब UGR बनाया जा रहा है, अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाया जा रहा है, 24 घंटे पानी की सप्लाई यहाँ पर होनी है, इस मुद्दे को लेकर भी इनमें रोष है, लोगों का कहना है कि उन्हें 24 घंटे सप्लाई चाहिए ही नहीं, वो संतुष्ट है अगर 2 घंटे सुबह पानी मिलता है, 2 घंटे दोपहर मिलता है, 2 घंटे और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे आपने खुद सुने, तो इसी तरह के मुद्दों के साथ हम रोजाना आपके साथ चला करेंगे, आज हम मनी माजरा में थे, कल एक बार फिर और किसी जगह पर होंगे और वहाँ के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनकी बातें आप तक पहुँचाएंगे, उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ नगर निगम और जो आला हुक्मरान हैं उन तक भी ये बातें पहुँचेंगी, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।